नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच जंगली फलों के बारे में बताने वाला हूं, जिनका अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं और ठीक तरीके से इसका सेवन करते हैं, तो आपको भविष्य में कोई भी बीमारी नहीं छू सकती। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन से फल हैं। दोस्तों, आपने कई फलों का सेवन किया होगा, लेकिन जंगली फलों के फायदे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे जंगली फलों के बारे में जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमारे शरीर को पहुँचाते हैं। तो चलिए जानते हैं उन पाँच जंगली फलों के बारे में। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आता है जामुन। जामुन हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अंदर कई गुण पाए जाते हैं। जामुन में फोलिक एसिड, फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जामुन के बीज सुखाकर और इसे पाउडर बनाकर खाने से अगर आप डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं, तो उस समस्या से ये पूरी तरह से निजात दिला देता है। दूसरे नंबर पे आता है बेर। बेर का टेस्ट खट्टा और मीठा होता है। अगर आपको भूख कम लगती है, तो ऐसे में आप बेर का सेवन करके अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं। इसका सेवन करके आंखें तेज होती है, आंखों की रोशनी इससे तेज होती है और पेट में होने वाले कीड़ों को यह खत्म करता है। बेर का इस्तेमाल करने से पाचन तंत्र के आंत के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बेर की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह पित्त को नष्ट करने के लिए उपयोगी माना जाता है। तीसरे नंबर पे आता है फालसा। फालसा बेर की तरह ही दिखाई देता है दिखने में। तो गर्मी के मौसम में यह हमारे शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। आप चाहे तो फालसा का शरबत बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने से आपको लू नहीं लगेगी और पेट भी आपका साफ रहेगा। आयरन की कमी होने पर फालसा के पके फल को खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ब्लड लेवल भी बढ़ता है। चौथे नंबर पे आता है शहतूत। शहतूत में विटामिन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसको मलबेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, यह हमारी आँखों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। बच्चों में होने वाली छोटी मोटी कमी को शहतूत पूरी करता है, तो इस हिसाब से शहतूत भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। अब बात आती है पांचवे फल की, जो कि है खट्टा करौंदा। दोस्तों, करौंदा भूख बढ़ाता है, पित्त को शांत करता है, प्यास रोकता है और दस्त को बंद करता है। सूखी खांसी होने पर करौंदे की पत्तियों के रस के सेवन से आपके शरीर में लाभकारी परिवर्तन होते हैं। खट्टी डकार और अम्ल पित्त की शिकायत होने पर करौंदे के फल का चूर्ण काफ़ी फायदेमंद होता है और यह शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाता है। दोस्तों, करौंदा का फल खाने से मसूड़ों से अगर आपके खून निकलता है, तो वह भी ठीक हो जाता है। दांत भी आपके मजबूत बनते हैं। अगर आप दांत आपके हिल रहे हो या दांतों में कमजोरी हो, तो ऐसे में आप करौंदे का अगर सेवन करते हैं, तो यह दांतों को एक प्रकार की मजबूती प्रदान करता है, जिससे दांत पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो पांच जंगली फल, जिनको अगर आप सेवन करते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं और आपको बहुत सारी बीमारियां कभी छू नहीं सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।